वड्डी खबर सामने आ रही है अमृतसर तो, जिथे कि ड्रीम सिटी नेड़े जायदाद के विवाद को लेकर दो गुटों विचाले अन्नेवाह गोलियां चलण का मामला सामने आया। इस दौरान गोली लगन के कारण एक नौजवान मौके पर ही खत्म हो गया, जदों की बाकी के दो नौजवान जिन्हों का नाम रणजोत सिंह अते चरण सिंह है उन्होंने गोली लगन कारण जख्मी दसया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक देह को कब्जे के विच लिया अते अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी मुताबक जिस व्यक्ति की जिंदगी जा चुकी है उसका नाम नरिंदर सिंह है, वह अमृतसर के हैल्थ क्लब चलाउंदा सी। इस दौरान पुराने गैंगस्टर रणजोत सिंह उर्फ सनी नू भी खत्म किया गया। दसिया जा रहा है कि NRI महेंद्र सिंह अते माइकल पुराने दोस्त ने, उन्हों का प्रॉपर्टी का वड्डा कारोबार भी है। प्रॉपर्टी वेचण तो बाद शुक्रवार अद्धी रात नू ड्रीम सिटी के कोल पार्टी चल रही सी तां दोवां दे विचाले पैसियां नू लैके बहस शुरू हुंदी है, जिस तों बाद माइकल अते महिंद्रा दा धड़ा हमलावरा हो गया अते दूजे ते गोलियां चला दित्तियां। बचाव दे दौरान मौके ते पहुंचे गैंगस्टर सनी यामा, नरिंदर सिंह अते चरणजीत नू गोलियां लग गईयां। नरिंदर सिंह दी हस्पताल लिजांदे समय रस्ते च उसने दम तोड़ दिता, जदों की होर दो जाने जख्मी दसे जा रहे ने। इस सारे मामले तो बाद एक बार फिर तो अमृतसर दे विच दहशत दा माहौल है, जिथे गोलियां चलन की आवाज़ सुन के लोग डर गए सन। आओ सुनदे हां मौके ते मौजूद लोग अते पुलिस दे वल्लों अगलेरी कार्रवाई की कीती जा रही है। मेरा नाम माइकल उपल है जी। उपल साहब की गल हुई आ जिहड़ी गैंगवार हुई? मैं जी इदा रियल एस्टेट का बिजनेस करदा, ठीक है। अज ड्रीम सिटी दे विच एक छोटा जिहा ईवेंट सी चैनल पार्टनर्स का, असी उत्थे पार्टी ते मैं ते मेरे नाल मेरे पार्टनर्स असी सारे इकट्ठे गए। उत्थे आ शख्स महेंद्र पाल, जिहड़ा कि लंडन तो आया था, ये इत्थे ड्रीम सिटी के अंदर ही रहिंदा। इन्हें पहला सानूं गाली गलोच किया, बड़ी गलत बिहेवियर के नाल रूड गंदी लैंग्वेज यूज करके इन्हें साडे नाल गल की। असी सोचा कि इतने लड़ाई झगड़े का माहौल चंगा नहीं, असी इतरों बाहर चले जाइए। असी जिसलिए उतरों बाहर निकले तो इन्हें सानू कहा कि तू घर आ जा, उत्थे बैठ के तेरे नाल गल करनी है। असी सारे अपने पांच छे जने सी, असी कहा कि नहीं असी इहदे घर नहीं जाना, जो गल करांगे सवेरे, क्योंकि उन्हें शराब बहुत ज़्यादा पीती थी सी। जिसलिए असी वेख्या कि इधरों आप निकल जाइए तो बेस्ट प्राइस के कोल अपनी वाइट मंटैरो गड्डी किसी की सी, यदि वाइट मंटी को फॉर्चूनर होंगी सी वाइट, एक मंटैरो गड्डी के बीच आया। ये नाल एक दो बंदे सी, जिहड़े दो बंदे ने असी वेखे आ, एक कार पिछले पासे सी जिहदे विच सानू बंदिया की प्रॉपर पहचान नहीं हो पाई, वो बाकी CCTV फुटेज कैमरे के विचों सारा पता लग जाएगा। इन्होंने साडे नाल कोई गल नहीं की, कोई बात नहीं की, असी कार च उतरे हाँ, हाँ जी दसो की गल है। इन्होंने साडे उत्ते इदा अन्ना धुंद गोली चलाई जिदा कि कोई गैंगवार हो गई है, इन्ना अन्ना धुंद गोली चलाई जिदे विच साडा एक वीर 32-33 साल का वो बेचारा अज पूरा हो गया। और माँ उत्थे बेचारी का हाल वेखो की हो रहा, एक साडा भाईवाल जिहड़ा साडा पार्टनर है उहदे भी हाथ ते गोली वजी है, वह भी उत्ते ICU च एडमिट है। एक साडा होर भरा जिहदे पैर ते गोली वजी है, जिहदी बाजू ते गोली वजी है, वह भी ICU च एडमिट है। तो जिहदा 32 साल का मुंडा पूरा हो गया, जिसलिए इन्होंने वेख्या उत्ते इदा कतलेआम इन्होंने किया, सारी फुटेज CCTV कैमरे च पूरी होनी जो इन्होंने हरकत की है, ठीक है। उस तो इलावा बाद चो ये उत्थों असी अपनी जान बचा के आओ भजे हैं भाजी, कि अज असी बल बल बच गए। मेरा प्रशासन को एको ही हाथ जोड़ के बेनती है कि ये बंदिया के उत्ते पूरी इंक्वायरी इन्हों की की जाए। सर जो बंदा शख्स किन्ने शख्स मतलब इंजर्ड होया तो किन्ने बंदे मरे? एक बंदा 32 साल का सी जिहदा मुंडा, वो बेचारा मुंडा नाम नरिंदर सी, की काम करदे सी? वो जिम सी उहदा जी इत्थे अमृतसर दे विच ही, ठीक है। उस तो बाद एक अपना रणजोत जी, एक चरणजोत जी है, चरणजोत जी मेरा पार्टनर है, वही ICU च है। ये जिन्होंने अपने से की काम कर दिया? ये जी लंदन तो आया था, NRI है, इहदा ड्रीम सिटी दे विच एक विला वै, उत्थे ही रहिंदा वै, ठीक है। ऑलरेडी इहदा अपने आप नूं बहुत वड्डा, अपने आप च गैंगस्टर समझदा, अपने आप नूं बड़े चंगे होर बंदिया दे नाल शुरू तो कहिंदा साडे रिलेशन है, ये है, वो है, इधर उधर सब। लेकिन जो अज इहने हरकत कीती है जी, मैं कहिंदा अज साडा प्रशासन नूं हाथ जोड़ के बेनती है कि साडे लोकां नूं पूरा इंसाफ दवाया। यह होया जी ड्रीम सिटी के बिल्कुल कोल एक बेस्ट प्राइज़ है, बेस्ट प्राइज़ के कोल इन्होंने अन्ना धुंद फायरिंग की है, जिदे विच असी सारे अपने असी बहुत फोन किए जी पुलिस नूं, 100 नंबर के उत्ते 2-3 बार फोन किया। पुलिस के पहुँचन तक बंदे सारे उत्थों फरार हो गए, ते असी अपनी जान बचा के किदा निकले आ सानू पता। बस कोई मौके से कोई CCTV फुटेज है तुहाडे कोल?
ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁਟੇਜ ਨਿਕਲੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ, ਦੋ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ICU 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਵੱਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਬੀਤਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿਗਰ ਏਲੀਅਸ ਚਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮਾਈਕਲ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੱਗੇ, ਓਲਡ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਲੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚੈਸਟ ਵੂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ? ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 15-20 ਫਾਇਰ ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਖੁਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਰ ਜਿਗਰ ਐਂਡ ਸਨੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਜ ਲੈਂਦੀ ਜੀ? ਚਰਨਜੋਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ਲੀ 302 IPC ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਰਾਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ।